हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आज नल सेफ्टी इन डार्ट। मतलब नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि नल सेफ्टी होता क्या है डार्ट में। तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि नल सेफ्टी मतलब नल वैल्यू से सेफ्टी हमें चाहिए। तो मैं एकदम बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं, एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं, बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ऐप है, एक समझ लो एक ऐप है, और ये ऐप चलने के लिए मतलब ये ऐप रन होने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल में मान लेता हूँ इंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जिसका नाम ए है, और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना ही चाहिए तब जाके ये ऐप रन होगा मेरा। तो इसको मैंने दे दिया 10, तो ए के अंदर 10 है, और ये जब ट्रांसफर होगा ऐप में, ए का वैल्यू 10 ट्रांसफर होगा, तो ऐप चेक करेगा कि भाई ए में कुछ वैल्यू है क्या। तो ए में वैल्यू है तो ये ऐप रन करने लग जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इंट ए सेमीकोलन, मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इन टाइप का, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर होगा तो इसमें ए में कुछ नहीं है, तो ये नल वैल्यू जाएगा इसके अंदर नल वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पर अभी ऐप चेक करेगा ए में कुछ वैल्यू आया कि नहीं, तो चेक करेगा तब उसको दिखेगा कि नल वैल्यू आया। तो नल वैल्यू आया तो कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होता है। तो ए में नल वैल्यू आ गया तो ये ऐप क्रैश हो जाएगा, मतलब ये चलेगा नहीं। और आपने कभी कभी देखा होगा कोई कोई ऐप क्रैश हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो इसके वजह से ही होता था। तो आपने देखा होगा कभी कभी अपना ऐप कभी कभी क्रैश हो जाता है किसी चीज़ की वजह से, तो इसी चीज़ की वजह से वो क्रैश होता था कि कभी कभी उसमें नल वैल्यू आ जाता था कोई भी डेटा में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डार्ट का अपडेटेड वर्जन है उसमें नल सेफ्टी पहले से होता है। नल सेफ्टी पहले से होता है उसका मतलब क्या है, अभी मान लो अगर ये ऐप चलाने के लिए मुझे अगर बी में कुछ वैल्यू चाहिए, अभी मैं ऐसा ले लिया इंट बी एक वेरिएबल है, अभी इसको मैंने इसमें ट्रांसफर किया तो इसमें जाना चाहिए नल वैल्यू जाना चाहिए। लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है डार्ट का उसमें यहीं पे आपको एरर दे देगा, एरर शो कर देगा। क्यों? वो बोलेगा कि भाई इसमें इनिशियलाइज करो नहीं तो ऐप क्रैश हो जाएगा। तो आपको इसको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो बी है उसका मुझे जरूरत नहीं है, ये बी नहीं भी रहेगा तो भी ऐप मेरा चल जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर डालेंगे int b। तो अब ये एरर हट जाएगा और इसको पता चल जाएगा कि भाई जो बी है वो मेरा जरूरत का नहीं है ऐप के। अगर ये बी नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो अब जो इंट क्वेश्चन मार्क बी लिखा मैंने और नल ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा और तो भी ऐप मेरा रन हो जाएगा। ओके, क्योंकि बी मेरा जरूरत वाला नहीं था। तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए पूरे प्रोग्राम में ऐप डेवलपमेंट के टाइम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कौन सा डेटा मेरा जरूरत का है ऐप के लिए कि नहीं है। तो उस केस में आपको क्वेश्चन मार्क डालना होगा। जब आप ऐसा क्वेश्चन मार्क डालोगे अगर उसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब जो वेरिएबल होगा वो ऐप के लिए जरूरत का नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नल सेफ्टी इन डार्ट। ऐप डेवलपमेंट अपना सेफर होता है और फास्टर होता है नल सेफ्टी का यूज करने से, और क्रैश का प्रॉब्लम हट जाता है। हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम डार्ट पैड पर आ गए, और जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया बोर्ड पर आपको कि कोई ऐप रन करने के लिए मुझे एक वेरिएबल में वैल्यू रहना चाहिए, जैसे कि इंट ए मैंने ले लिया इक्वल टू 10। तो अभी ये ए के अंदर कितना है 10, तो ये ए जो है वेरिएबल है एक ऐप को रन करने के लिए, तो इसमें कुछ भी वैल्यू रहना चाहिए 10, 5, 6 कुछ भी आते रहता है, वैल्यू चेंज होते रहता है और ये ऐप चलना चाहिए इससे। तो प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग, प्रिंट ए को प्रिंट किए तो क्या आना चाहिए 10 वाले, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू अगर ए में रहेगा तो मेरा ऐप चलेगा। ये अगर मैं क्या करूँ कि इसको मैं 10 का वैल्यू हटा दूँ और सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दूँ वेरिएबल कि ए इंट है। अब प्रिंट करके देखते हैं हम लोग, तो क्या आया यहाँ पर, नल वैल्यू आया। और ऐप को रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर तो नल आ गया तो क्या होगा, ऐप क्रैश हो जाएगा इस केस में। तो ये जो वर्जन पुराना था डार्ट का तो उसमें ऐसा ऑटोमेटिकली अगर कुछ मैं नहीं दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली नल चला जाता था। लेकिन अभी एक चीज है यहाँ पर, देखो दिखाता हूँ, मान लो ए इक्वल टू 10 है, अभी ये नल सेफ्टी का यहाँ पर बटन दिख रहा है। ये डार्ट के अपडेटेड वर्जन में नल सेफ्टी ऑलरेडी होता है वहां पर कि ऐसा केस ना हो वहां पर। तो अगर मैं इसको ऑन कर दिया नल सेफ्टी को ऑन कर दिया और यहाँ पे मैं रन करता हूँ, अभी वही एग्जांपल लिया सेम मैंने, तो जितने भी डार्ट के जो अभी वर्जन है तो सारे में नल सेफ्टी ऑन ही रहता है। ओके, तो अभी मैं इसको हटा दिया मैंने 10 को,
अब ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखो एरर आ जाएगा यहाँ पर, ऑटोमेटिकली एरर आ गया, अभी नल वैल्यू नहीं गया, पहले इसमें एरर आ गया। क्या एरर शो कर रहा है कि ए मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज, ए को कुछ ना कुछ असाइन कर दो यूज करने से पहले उसको, तो ऐसा एरर आ रहा है। तो अब इसमें मैं रन करके देखूंगा, तो रन करने पर एरर आएगा, शो करेगा, देखो एरर आ गया कि वेरिएबल ए मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज, यूज करने से पहले इसको कुछ ना कुछ असाइन कर दो नहीं तो ऐप क्रैश हो सकता है। तो इस केस में आपको उसको बताना पड़ेगा कि ए जो है मेरा वो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐप रन करने के लिए। अगर आपको पता है कि जो ए वेरिएबल है, ऐसे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी है इंट में ले रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग भी ले लिया मैंने बी, ये ऐसा कर दिया मैंने क्लोज कर दिया, तो इसी में भी एरर आएगा आपको, इसमें भी एरर आएगा। देखो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, बी को प्रिंट करूँ, मैं प्रिंट बी, मैंने यूज किया इसको कहीं ना कहीं पे, तो इसमें भी एरर आ गया बी में, वो बोल रहा है कि बी मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज, मतलब इसको यूज करने से पहले इसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करो नहीं तो आपका ऐप क्रैश हो सकता है। तो इस केस में आपको कोड को बताना पड़ेगा कि भाई ए एंड बी है जो मेरा वो उतना काम का चीज नहीं है, ये नहीं भी होगा तो भी ऐप मेरा रन हो जाएगा। इस केस में आपको इधर आगे क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा नल सेफ्टी के लिए, कि आपको पता है कि ए काम का नहीं है एंड बी भी काम का नहीं है, क्वेश्चन मार्क, तो नल सेफ्टी होता है। तो अब मैं रन करूंगा तो बी में क्या जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो नल प्रिंट हो गया। ए में भी कुछ नहीं है यहाँ पे, नल प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रिंट किया बी एंड प्रिंट किया ए, तो मुझे मिला नल और नल यहाँ पे, ओके। तो ये नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट था। तो अभी नल को हैंडल किस तरह से करना है, तो यहाँ पर अभी बी है, तो अगर मुझे इसमें नल वैल्यू मिल रहा है तो इसके जगह पे कुछ और मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं डबल क्वेश्चन मार्क लिख के प्रिंट करा सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे बी का स्ट्रिंग है, तो मैं जो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ प्रिंट कराना है अगर नल के बदले, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, जैसे मैंने हेलो लिख दिया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर भी अभी इंट है, इसमें भी नल वैल्यू आया मेरा, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, डबल क्वेश्चन मार्क करके, और इसके जगह पर मुझे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दिखाना है, जैसे जीरो, तो मैं जीरो दिखा सकता हूँ। तो अब मैं रन करूँगा तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, नल के प्लेस पे हेलो एंड जीरो, हेलो एंड जीरो। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो नल सेफ्टी को इन डार्ट में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।